सब मैदा और मैदे के आइटमों का बनता है। पिज़्ज़ा है, बर्गर है, पास्ता है, नूडल्स हैं, ठीक है, ये सब मैदे के आइटम बनते हैं। ये मैदे के आइटम में जो है ना, ये इट इज़ ए रिफाइंड फ्लोर, इट स्टेज ये मैदे पे काफ़ी देर तक ठहरता है, इट स्टेज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ऑन द स्टोमक, ठीक है। नंबर वन, ये तो एसिडिटी करेगा। नंबर दो, ये फैटी लीवर करेगा। नंबर तीन, जितना भी जंक फूड है ना, इसमें सॉसेज पड़ी होती हैं, सोया सॉस, चिली सॉस, ये सब हैं। दो तीन आल सॉसेज दे काज एलर्जी ऑल्सो, एलर्जिक डिसऑर्डर, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, एलर्जी एलर्जी है, स्किन की एलर्जी है, सांस की बीमारी है। अच्छा, नंबर तीन, फैटी लीवर करेगा। फैटी लीवर करेगा तो भूख कम लगेगी, भूख कम लगेगी वेट, इससे वेट गेन भी होगा मैदा और मैदे के आइटमों से। अच्छा, एसिडिटी करेगा, अल्सर करेगा, अच्छा पेन एब्डोम रहेगी। और जंक फूड जितना है ना, इनके साथ जितनी जो सॉसेज हैं और जैसे मोमोज हैं, स्प्रिंग रोल है, इनके साथ जो चटनी देते हैं ना ये जो लोग, इसमें मिर्ची स्पाइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, ये एसिडिटी भी करती हैं, पेप्टिक अल्सर भी करती हैं, पेन एब्डोमिन भी करती हैं। स्प्रिंग रोल हार्ड है, जो कस्टमर को अच्छा लगता है वही चीज देनी पड़ती है। सर जी, चाइनीज फूड है ना, इससे तो बच्चे बीमार ही होंगे। इसमें कच्चा मैदा जूस होता है, स्प्रिंग रोल कच्चे मैदे के, मोमो कच्चे मैदे के, दूसरी साइड कोई ध्यान नहीं देता है, ना माँ बाप ध्यान देते हैं, तो उसके कारण ना बच्चों की ग्रोथ होती है, ना कुछ होता है, तो बच्चे बीमार ही पड़ेंगे। सर उससे क्या होगा कि बच्चे आजकल की जनरेशन खा ही जाए चाइनीज फूड रही है, दूसरे बच्चे कोई चीज़ें खाते नहीं है, घर की यहाँ तक भी रोटी नहीं खाती है, जिसे देखो मोमो ले रहा है, पिज्जे ले रहे हैं, बर्गर ले रहे हैं, उससे हमारी जनरेशन खराब हो रही है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, बच्चों के लीवर खराब हो रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में अच्छा। इंडियन सर्कमस्टांसेस एंड ऑल ओवर वर्ल्ड ऑल्सो जी, पीपल दे डोंट लोग नहीं खा रहे हैं मैदा और मैदे के आइटम में नहीं खा रहे हैं जी। ये ब्लड शुगर भी करता है जी, फैटी लीवर भी करता है, ओबेसिटी भी करता है, पेप्टिक अल्सर भी, मैदे के अल्सर जख्म भी करता है। तो पुराना जो फूड है, जैसे परौंठी है, गुरगुले हैं, समोसे हैं, ये डीप फ्राइड होते हैं, एक तो इनमें इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, नंबर दो थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, एलडीएल में इतना कोलेस्ट्रॉल नहीं होता जितना इसमें होता है, इसमें मैदे में होता है जी। जो हमारे इधर बनती है, जैसे समोसे बनते हैं, पकोड़े बनते हैं, सब कुछ बनता है, वो तेल में तला हुआ होता है, कोई कच्चा नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, फर्स्ट क्लास होता है। हम सदियों से खा रहे हैं ये चीज़ें, जो सदियों से खा रहे हैं वो जुग जुग जी रहे हैं। तो देसी खाने, जो देसी पकोड़े वगैरह पहले लोग खाते थे, आलू टिक्की पकोड़े, वो तो अच्छे हैं हमारे।